नमस्कार, JNI न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। सिद्धार्थनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रामीणों का प्रदर्शन, रोड नहीं तो वोट नहीं। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में भले ही अभी शुरुआत ना की हो, लेकिन गांव में इसकी शुरुआत हो चुकी है। ताजा मामला सिद्धार्थनगर जिले के विकास खंड उसका बाजार के ग्राम पंचायत सुघी में 2022 में वोट ना करने की बात सामने आई है। सुघी के ग्रामीणों ने रोड को लेकर प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। वहीं ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए प्रदर्शन किया है। वहीं रोड खराब होने से लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं। रोड इतनी खराब है कि अगर कोई बीमार व्यक्ति को ले जाया जाए तो उसका दम वहीं टूट जाएगा। ब्यूरो चीफ सिद्धार्थनगर मोहम्मद ऑन फारूकी की रिपोर्ट। तो उद्देश्य क्या है सबका? सड़क गड्ढा है, इसलिए टूट गई है सड़क। 15 साल से हम लोग चोटिल हो रहे हैं, तमाम समस्याएं हो रही हैं और अभी तक सड़क नहीं बना। इसलिए हम लोगों ने मन बनाया है कि 2022 में जब तक ये सड़क बनेगी नहीं तब तक हम लोग मतदान नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे। कितने सालों से सड़क टूटी? 15 साल से। हम क्या है और ये रोड कितने सालों से टूटी हुई है और इससे क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम निशाकर दुबे, मैं इस रोड को देखते देखते परेशान हूँ कि सारे प्रदेश में गड्ढा मुक्त हो रहा है योगी जी का जो फरमान है। और यहीं बगल में एक सवर्णों का गांव है, 80% आबादी सवर्णों की है, लेकिन योगी जी या प्रदेश सरकार या जिला प्रशासन, सांसद, विधायक, किसी का इस पर कोई निगाह नहीं है। आए दिन जो है एक्सीडेंट होता है, पैर टूटता है, कोई देखने वाला नहीं है। मेरा नाम क्या है और उद्देश्य क्या है इसका? मेरा नाम अंग्रेज दुबे है। उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह ये रोड बन जाए, और कोई उद्देश्य नहीं। हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये रोड हम लोगों की चाहिए, राजनीति हम लोगों का अधिकार है इस पर। और कम से कम हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि सांसद जी से और विधायक जी से कि रोड किसी तरह से 2022 से पहले बनवा दें, नहीं तो हम लोग बहिष्कार करने वाले हैं भाई साहब, बस यही जान लीजिए। अगर ये सब रोड ना बने तो आप सब आगे क्या करेंगे? और वोट नहीं देंगे। 2022 आपके नज़दीक ही है, नहीं देंगे।